हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक ड्रीम कम ट्रू में। मैं हूं मंजीत और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 हिंदी एनसीईआरटी आरओ का चैप्टर 8, और चैप्टर का नाम है जामुन का पेड़ और राइटर है कृष्णचंद्र। आज हम इस चैप्टर के फुल डिटेल समरी को पढ़ेंगे, और अगर आप अब तक इस चैप्टर के पहले तक के वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो उन सभी चैप्टर के वीडियोस को देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी चैप्टर्स के लिंक दे रहा हूँ। तो चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। जामुन का पेड़। कृष्णचंद्र की एक बहुत ही प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग यानी ह्यूमर सेटायर, यानी किसी का मजाक उड़ाना, किसी का निंदा करना। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परंपरा बहुत ही पुरानी है, और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यह घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण यानी बहुत ही सुपरलेटिव तरीके से और बहुत ही अविश्वसनीय जान पड़े तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और कितना पदानुक्रम यानी कितना हैरर्ची है। कहानी में व्यवस्था के संवेदन शून्य यानी सेंसिंग जीरो एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। रात में चले तेज आंधी के कारण जामुन का पेड़ सचिवालय के लॉन में गिर गया। सचिवालय का मतलब होता है सेक्रेटेरिएट, जिसके नीचे एक आदमी दब गया था। माली ने देखा तो यह बात अपने चपरासी को बताई। धीरे धीरे यह बात पूरे सचिवालय में फैल गई। सभी जामुन के पेड़ के गिरने पर दुख जता रहे थे, लेकिन दबे हुए आदमी के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। कुछ मनचले क्लर्कों ने कानून की परवाह किए बिना निश्चय किया कि पेड़ काटकर आदमी को निकाल लिया जाए, लेकिन सुपरिटेंडेंट ने बताया कि यह मामला कृषि विभाग का है यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, इसीलिए पेड़ को वे काट नहीं सकते हैं। इस प्रकार मामला व्यापार विभाग, अब ट्रेड डिपार्टमेंट से कृषि विभाग तक पहुंच जाता है। कृषि विभाग वाले मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप देते हैं। क्योंकि जामुन का पेड़ फलदार था, तभी सबको पता चलता है कि दबा हुआ व्यक्ति कोई शायर है। इस खबर के फैलते ही लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और मामला कल्चरल विभाग में भेज दिया जाता है। दबा हुआ आदमी दर्द से पीड़ित था और अपने निकाले जाने के फैसले का इंतजार कर रहा था। फॉरेस्ट विभाग के लोग पेड़ काटने ही वाले थे, तभी पता चला कि जामुन का पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था, और इसे काटने से दो राज्य के संबंध बिगड़ जाते, इसीलिए आदेश को रोक दिया गया। प्रधानमंत्री दौरे से वापस आए तो उन्होंने इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी स्वयं ली। इस प्रकार पेड़ काटने की अनुमति मिल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दबा हुआ आदमी मर चुका था और उसकी जीवन की फाइल बंद हो चुकी थी। इस प्रकार सरकारी आदेश और उसकी संवेदनहीनता के आगे एक व्यक्ति अपने जीवन संघर्ष में हार गया था। तो इस चैप्टर के इस समरी से हमें ये पता चलता है, हमें ये सीख मिलती है कि जामुन के पेड़ कहानी में आज के समाज की वास्तविक झलकियां चित्रित की गई हैं। आज के युग में जब कोई मुसीबत में फंस जाता है तो लोग उसे उस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के बजाय उसे और डराते हैं।
जामुन के पेड़ में भी दबे हुए व्यक्ति को कोई नहीं निकालता है, बल्कि उससे कविता के बारे में चर्चा करता है। व्यक्ति को निकालने के बजाय वन विभाग को खबर देते हैं। उसके बाद सरकारी काम शुरू होता है। जब तक लिखा पढ़ी खत्म हो, वह व्यक्ति मर जाता है। यहाँ एक मानव की जान अमानवता की वजह से चली जाती है, और हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, और इस कहानी का यह उद्देश्य है कि हमें अच्छे नागरिक बनकर औरों की मदद करनी चाहिए, बिना अपनी परवाह किए, बिना किसी की परवाह किए लोगों के हित में काम करना चाहिए। तो यह था चैप्टर 8, जामुन का पेड़, और राइटर है कृष्ण चंद्र। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइल।